हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मित्रों अपना माहिती मेळवीशु। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कराता उम्मीदवारों रोषे भराना छे। सरकार द्वारा विविध प्रकार की भर्ती की जाहेरातो करवामां आवती होय छे, परंतु भर्ती अंगे मात्र जाहेरातो करवी जाने सरकारी तंत्र की ओळख बनी गई छे। भर्ती की जाहेरात कर्या पछी तेने पूर्ण करता एक थी बे वर्ष जेटलो समय निकली जाय छे, तो केटलीक भर्तीओ में तो त्रण त्रण वर्ष थई गया सुधी, छता हजु सुधी परीक्षा पण लेवाई नथी। बिन सचिवालय की भर्ती की जाहरात ने त्रण वर्ष जेटलो समय थई गयो छे, तेम छता हजी सुधी तेनी परीक्षा लेवाई नथी। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नी पण एटलो समय थयो होवा छता हजी सुधी तेनी परीक्षा की तारीख पण जाहिर करवामां आवी नथी। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करता उम्मीदवारों ने परीक्षा की राह जोता त्रण वर्ष जेटलो समय थई गयो छे। नवेम्बर 2018 में वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की 334 जग्याओं माटे भर्ती जाहिर करवामां आवी हती। त्यार पछी बे वखत परीक्षा की तारीख जाहिर करवामां आवी अने बन्ने वखत परीक्षा मौकूफ राखवामां आवी हती। त्यारे भर्ती पूर्ण करवानी तो वात दूर रही, पण हजु सुधी परीक्षा की तारीख पण जाहिर करवामां आवी नथी, जेथी त्रण त्रण वर्षथी परीक्षाओं की तैयारी करता लाखों लाखों उम्मीदवारों मनोबल तूटी रही है। त्यारे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया वहेली तके पूर्ण करवा वन और पर्यावरण मंत्री ने समग्र राज्य जिल्लाओं तमाम उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं। आ अंगे उम्मीदवारोए जणाव्युं हतुं कि अमे छेल्ला त्रण वर्षथी शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा छे। अगाउ पण बे वार परीक्षा की जाहेरात कर्या बाद मौकूफ राखवामां आवी हती। आवा संजोगों में मनोबल पण तूटी जाए, वळी भर्तीनो घणो समय थई जता तेने रद्द करी नवेसरथी भर्तीनी जाहेरात करवामां आवे छे। आ गाळामां बे वर्ष थई गया छे, त्यारे जूना उम्मीदवारनी उमर वधी जवाने कारणे तेओ वयमर्यादा वटावी जाय छे, जेथी ते नवेસરથી જાહેર કરાયેલી ભરતી માટે ગેરલાયક ઠરે છે। કોઈ એવું રાજ્ય નહીં હોય જ્યાં ભરતી કરતા ત્રણ વર્ષ જેટલો સમય લાગતો હોય, ત્યારે દિવસ રાત જોયા વગર તૈયારી કરતા ઉમેદવાર માટે સરકારે પણ વિચારવું જોઈએ। વહેલી તકે પરીક્ષાનું આયોજન કરવા આવેદન આપવામાં આવ્યા છે। અગાઉ બે વખત પણ પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ હતી, એટલે કે બિન સચિવાલયની પરીક્ષા સાથે સાથે ફોરેસ્ટ ગાર્ડની ભરતીની પરીક્ષા પણ ત્રણ વર્ષથી અટકી ગઈ છે, તેથી તેમના ઉમેદવારોમાં પણ રોષે ભરાયા છે। Thanks for watching this video. Thanks and goodbye.